तो आप पीएल कर रहे हो बेसिकली, और पीएल में भी कौन सी मार्केट है? एहसान बादशाह, हमजा यूसुफ, जुमा खान। अच्छा, मेरा फर्स्ट पी के और नहीं, और मैं पीएल पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट ट्रेन में हूँ, उसको अभी स्टार्ट किया। अभी स्टार्ट जी। उस्मान महेंद्र, यूएस की टारगेट कर रहा हूँ, यूएस की मार्केट और पीएल कर रहा। पीएल करना जी, पीएल करना। अच्छा सही है। तो बेसिकली जो मेरा आज का जो मकसद था ना, वो थोड़ी सी गपशप थी, थोड़ा सा जो है ना वो आपको एक रोड मैप देना मेरे भाई, आप लोगों ने वर्क में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है, क्या आपका एक मंथ हो गया लिखना वर्टिकल प्रोडक्ट मीटिंग ब्रांड मीटिंग इसमें लिखना, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो होलसेल का प्लान है वो अपना है कि नहीं, किसी के लिए काम कर रहे हैं। सो एज अ वीए देखें, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट बनने तक का जो सफर है वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब एक बंदा मैं आता हूँ, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ कि जी मेरे लिए होलसेल बिजनेस करो, आपका एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है, तो अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट रिसर्च का एक्सपीरियंस है, ब्रांड रिसर्च है, इससे आगे का सफर आपने अभी लगता है नहीं। सो वट यू हैव टू डू, आपने देखें वर्क का मकसद जो है ना वो खुला है। ठीक है, अब लेट सपोज फयाज बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी LLC रेडी है, ठीक है, इसकी वेबसाइट रेडी है, आपको चाहिए कि आप इसके साथ कोलैब करो। ठीक है, मींस कि ये जो काम कर रहे हो वो आपके, मींस ये ब्रांड हंडिंग कर रहे हैं, आप भी ब्रांड हंडिंग करो, दोनों मिल के काम करें, नो प्रॉफिट शेयर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टू मंथ्स आपने बिल्कुल किसी भी पैसे की कोई डिमांड नहीं करनी। उसकी रीजन ये होती है कि आप एज एन इंटर्न ही काम कर रहे हो, एज एन इंटर्नशिप काम कर रहे हो। फायदा क्या होगा, अब उसके पास LLC है, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लोगे, ब्रांड रिसर्च कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लोगे, लेकिन आप उनको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकोगे। ठीक है, बिकॉज आपके पास LLC है, अब उसके पास LLC है, ठीक है, जिसको पैसे चाहिए होते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं, इन दोनों को क्या करना होगा, कोलैब करना होगा। समझ आ गई मेरी बात? सो अब आपने क्या करना है, अब मुझे जितना लग रहा है ना, आप लोग अपने ही काम से काम करते हैं, दूसरे के साथ बात नहीं करते, तो वो कोलैबोरेशन जो है ना वो थोड़ा सा लो आ गया। सो बट यू हैव टू डू कि भाई आप यहाँ पर वर्क में फेसबुक के नेबर्स के ग्रुप में कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मैंने ऐसे बंदे के साथ कोलैब करना है, या तो जिसके पास क्लाइंट हो, या जिसके पास LLC रेडी हो, जो कि वर्क करना स्टार्ट कर रहा हो। सो उससे फायदा ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस गेन होगा और उस बंदे के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो, क्या आपका लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चलेगी। ठीक है, इसी तरह पार्टनरशिप्स ग्रो होती है, पार्टनरशिप्स और किसी भी तरीके से ग्रो नहीं होती। मतलब वो उस दिन एक पोस्ट आई थी कि भाई अगर आपने अपने बिजनेस को खराब करना है तो आप अपने कजन को जो है एज अ बिजनेस पार्टनर लें, या अपने फ्रेंड को लें, बेस्ड अपॉन दिस कि भाई वो आपका फ्रेंड है, या बेस्ड अपॉन दिस कि वो आपका कजन है। इस तरह होना नहीं चाहिए, आपने जो बिजनेस पार्टनर या कोलैबोरेशन करनी है वो स्किलफुल पर्सन के साथ करनी, जिसके पास स्किल हो। अब मेरे पास अमेजोन की स्किल है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, आप मेरे साथ कोलैब कर सकते हो, बिकॉज मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मेरे पास वो स्किल नहीं है। सो ऐसे करते हैं, लेकिन जिसमें लैग गैप हो। अब वो गैप क्या है, आपके पास LLC नहीं है, इसके पास LLC है, ठीक है, आप दोनों कोलैब करेंगे तो उसका भी काम चलेगा और आपका भी चलेगा। कल को जब कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो तो सबसे पहले आपसे पोर्टफोलियो मांगे। कौन कहता है, कोई भी आपको जो है ना फ्रेश में 100 में से 2% लोग होते हैं जो कि आपको ये अलाउ करते हैं कि भाई आप क्या करो, मेरे आप बिल्कुल फ्रेश हो, मेरे अकाउंट पे स्टार्ट हो, $5,000 आपके ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई मैंने ये काम किया है, इसके ये रिजल्ट है, मैं आगे फ्यूचर वर्क ये वर्क। समझ आ गई? तो इस वजह से आप आगे
नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग बस इधर तक लिमिट होंगे। जब तक आप कोलैब नहीं करेंगे, कोलैब कर लेंगे ना तब आपके पास स्किल आएगी। अब आप डरते हैं, खुद भी डरते हैं इंसान कि यार मैं किसी क्लाइंट का पैसा ना जाया कर दूं, मैं किसी क्लाइंट के ऊपर अपना नाम ना खराब करूं। इस वजह से आपने थोड़ा सा कोलैबोरेशन की तरफ जाना, ठीक है, कोलैब करके एक्सपीरियंस गेन करें, एक्सपीरियंस गेनिंग के साथ साथ आप क्या करें क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट, ठीक है। अब मैं दूसरा मेरा जो टर्म आएगी वो क्लाइंट रिसर्च पे बदल जाएगी, लेकिन पहले मैं आपको रोड मैप बता दूं कि आपने जाना किस डायरेक्शन में। हमारे स्टूडेंट के पास स्किल बहुत है, उनको डायरेक्शन नहीं कि आपने मूव किस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बंदा बैठा हुआ, इसने अपनी सक्सेस स्टोरी कल आई थिंक सो पोस्ट की, आप लोग में से देखिए किसी नहीं, बस कितने पांच तीन लोगों ने देखी है। शफी की सक्सेस स्टोरी कितने ने देखी है, चले एक एक दो बंदों ने देखी है आप लोगों में से जितने, ठीक है। अब ये चीज आती है कि भाई हम लोग ये कह रहे थे मेरी नई शादी हुई है, मैं कल जो है वो शादी पे था, मुझे इसकी पोस्ट कैसे ना बनाएंगे, लाइक क्यों मुझे शो हो जाती है सारी चीजें, क्योंकि मेरा एक स्लॉट मेरी प्योरिटी है कि भाई मैंने फेसबुक ग्रुप को दिन में 3 घंटे देने, सो मैं दूंगा, तब तक मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं जो है ना वो फेसबुक को टाइम नहीं दूंगा। तो जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। टाइम स्केड्यूल करना है, सिर्फ प्रायोरिटीज आपने ठीक रखनी है कि भाई इसको प्रायोरिटी देनी है, ये फर्स्ट है सेकंड है, बस नथिंग एल्स। क्लियर क्लियर हो गया आपको कि भाई अभी अभी क्या माइंड में क्वेश्चन है? माइंड में कि सर अब एक टीम बना दे तो सीनियर के साथ जूनियर को बिठा, अब मैं अगर बनाऊंगा ना, ठीक है, तो शायद आपका उसके साथ जो कंफर्ट जोन है वो ना रहे। उसकी वजह क्या है कि मैं उस तरीके से टीम नहीं बना सकता जिस तरह आप लोग आपस में दर्शक लगा रहे हो, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल लाइक माइंडसेट जो है ना वो बड़ा काउंट करता है कोलैबोरेशन में। अब एक जो है वो कंजूस तरीन हो और एक जो है वो सही दिल का बंदा हो, वो नहीं कर सकते कोलैब। 100 साल भी लग गए तो कोलैब नहीं कर, 1 महीने के लिए कर लेंगे, 10 दिन के लिए कर लेंगे, फिर आपकी कोलैबोरेशन टूट जाएगी। समझ आ गई? आपने आपस में बैठना है। अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप जो है ना वो फयाज के साथ कर लो या शफी के साथ कर लो, ठीक है, तो आप दोनों बाउंड हो जाओगे, और बाउंड करना नहीं है हमने तो, ठीक है। सो आपको चाहिए कि भाई अभी सेशन खत्म हो, सो आप जो है ना वो आपस में कर सकते हैं, आपस में एक साथ बैठे, आपस में देखें कि भाई कौन सा बंदा किस लेवल पे है, तो फिर आप उसके साथ बैठ के काम करें। कोई रोकेगा नहीं आपको, जो रोके फिर मुझे बताएं, आखिरी सोल्यूशन तो सारे पवार है, बट फर्स्ट अप्लाई योर सोल्यूशन, ठीक है। समझ आ गई? ये वाला रोड मैप आपने भी फॉलो करना है, होलसेल का जो आज आपका पहला दूसरा दिन है, ठीक है, कि भाई होलसेल को कैसे लेके चलना। इन्होंने सबने भी यही है, अगर एक बंदा होलसेल कर रहा है तो इन्होंने अपनी एलएलसी बनाई है या किसी क्लाइंट की एलएलसी है, किसी दूसरे बंदे की एलएलसी है, उसके साथ क्लाइंट की, फिर उन्होंने एक्सपीरियंस। आपने गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने आती है आपको, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो गाड़ी सीखता है, फॉर्च्यूनर लेगा या मेरा नहीं लेगा? मेरा ले, क्यों? बिकॉज अगर वो कहीं पर झुक भी जाए तो मसला नहीं है, 800 रुपए की उसकी जाली है, 400 रुपए का साइड मिरर, वो क्यों? बिकॉज कि आपने बेबी स्टेप ले के ऊपर जाना। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी डरता था, मेरे पास भी कोई क्लाइंट नहीं था मेरे पास, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने खुद को थोड़ा सा ये जो शाइनेस होती है ना आप में, जो ये शर्माते हैं लोग, ये खराब करता। यू हैव टू शो योरसेल्फ, हाईलाइट करें, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, जब ये काम कर सकता हूँ तो वो सबको विजिबल होगा, ठीक है। सो रोड मैप ये फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा। क्लियर हो गया? आपका क्या अपडेट थी? अच्छा, क्लाइंट की। अब देखिए, एक तो मैंने ये बता दिया कि क्लाइंट जो है ना वो आपकी तरफ क्यों आएगा, बिकॉज क्या आपने उसके आगे अपने आप को प्रूफ करना, ठीक है। अब क्लाइंट जब आकर, क्लाइंट बहुत है, ये लोग कहते हैं कि भाई क्लाइंट नहीं है ये, वो क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर देखें, मैं फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैं उसमें अनसक्सेसफुल होता हूँ, तो मैं तो पूरे बिजनेस को क्या कहूँगा कि ये यार ठप बिजनेस है, इसको ना करो। अब जो दिन का उसमें 3-4 लाख रुपए कमा रहा है, वो तो कहेगा कि भाई फोटोग्राफी से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। सो हर बंदे की अपनी एक डोमेन है, हर बंदे की अपनी एक स्किल है, ठीक है, और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती।
ठीक है, रिच डैड पुअर डैड को अगर आप पढ़ लें, थिंक ब्रो रिच को बुक को पढ़ लें, तो उन सारों की जो क्लाइमिक्स है वो यही है कि भाई यू हैव टू स्ट्रगल, आपने स्ट्रगल से गुजरना है। हाँ वो मिनिस्टर का बेटा होता है सोने की चमड़ी में मेरे बेटा को होता है वो अलग चीज, लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं उनको अपनी मेहनत करनी होती है, उनको जो है ना वो एक लेवल पे पहुंचने के लिए बड़ी हर्डल से गुजरना पड़ता है। सो अब क्लाइंट की अगर बात करूँ तो क्लाइंट आपके एक्सपीरियंस और क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो से। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं क्या करता था कि भाई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट गोरों के ग्रुप्स, उस टाइम फेसबुक पे काफ़ी अच्छी, अभी तो लिंक्डइन पे सारे शिफ्ट हो गए हैं बट उस टाइम फेसबुक के ऊपर, अभी भी फेसबुक के ऊपर है। तो मैं फेसबुक के डिफरेंट गोरों के ग्रुप में जो है ना उसमें पोस्टिंग करता था। अब मैं ये नहीं कहता था कि भाई आई एम बी ए एंड आई हैव दिस दिस स्किल एंड प्लीज हायर मी, मैं ये कभी नहीं कहा। अगर एक बंदे ने प्रॉब्लम लिखा ना तो मैंने उसका लंबा चौड़ा मैसेज लिख के उसको कमेंट में भेज दिया, ठीक है। एक प्रॉब्लम आई थी एक आंटी की अलबामा की, ठीक है, तो उसने मुझे उसने एक पोस्ट की थी 2019 के एंड 20 का स्टार्ट होगा, उसकी कोई इन्वेंट्री का इशू था, इन्वेंट्री जो है ना वो स्टैंडर्ड में चली गई थी, तो मुझे उसका आइडिया था, मतलब किया मैंने कभी नहीं था, ठीक है, लेकिन आइडिया था, नॉलेज थी कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है। मैंने वही चीज़ उठा के उसको कमेंट में पेश कर, अब लोगों ने कमेंट किया थे जी हायर मी आई विल डू दिस एंड आई विल डू दिस इन लो कॉस्ट एंड दिस, मैंने उसको सिर्फ सोल्यूशन बताया और उसके ऊपर मुझे याद है 105-104 कमेंट्स थे। उस बंदी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, पहला सवाल मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाई यू चूज मी, तो उसने कहा भाई 104 कमेंट्स हैं, किसी ने भी मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया जो है आज टेस्टिंग। मैंने उससे तब भी पैसों की कोई बात नहीं की, उसको मैंने कहा भाई तुम जूम करो मैं तुम्हारे लिए मसला लिखा, मैंने जूम कर मसला ले लिया, उसने मुझे $200 भेजे, मैंने तो मांगी। लेकिन गोरे आपको पे करते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी डायरेक्शन को फॉलो किया बस। अब आपने गाड़ी मोटरवे पे डाली भी आपको पता नहीं है कि मैंने साले में इंटरचेंज उतरना है, लाहौर इंटरचेंज उतरना है, किधर जाना है, आपने तो गाड़ी डाली। सो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जो है ना आपकी ठीक करें बस, नथिंग एल्स। समझ आ गई। सोशल मीडिया के ऊपर आपकी हाईलाइट करें, अपने आप को शो करें कि भाई मैं पेशावर के वर्क स्टूडेंट हूँ और मुझे ये काम आता है और मैं ये काम इस तरीके से कर रहा हूँ और ये मेरी एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज को उस पोस्ट के नॉलेज में शेयर करें। लिंक्डइन पे कितने बंदों का अकाउंट है, ठीक है, एक निशान सफर साहब की एक वीडियो है लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन, असाद मिर्जा की भी है ईवीएस में पड़ी हुई, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन को देखें, ठीक है। और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि भाई आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करना, सर्टिफिकेशन के ऊपर जाएं और लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, लोग साथ कनेक्शन बनाएं, ठीक है, और लिंक्डइन के ऊपर दिन की एटलीस्ट 5 पोस्ट करें, ठीक है, मतलब फ्री की नॉलेज शेयर करें, जितना बांटोगे उससे डबल ट्रिपल मिलेगा, ये हकीकत है। ज़कात कम पैसा में दोगे तो आपके पास पैसा उस पर डबल आता है, वो आता है वो आप एक्सपीरियंस कर लें, नॉलेज जितना शेयर करने से मिलती है ना उतना अपने पास आके ही मिलती है कि भाई मैं बस रख लूँ उस नॉलेज और अमेजोन का अगर ये तब मैंने बता दी तो ये बंदा कामयाब हो जाएगा, मैं नीचे उठूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बंदे का नसीब, हर बंदे का रिस्क अल्लाह ने वादा किया है, किया अपने कुरान में, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे रिस्क का जो है ना वो फिक्र नहीं, बस तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुमने सिर्फ अपना काम करना, ये नहीं है कि घर बैठे गाड़ी कब्जा से डाल रहे, ऐसा भी नहीं, भाई रिस्क लिखा है मेरे इस एल्स की स्टेटमेंट, अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, समझ आ गई। सो इस तरह थोड़ा सा वर्क को लेके चलें, जो वर्क का रियल मकसद है ना वो कोलैबोरेशन है, समझ आ गई, ठीक है।